बिल्ली और मुर्गी। जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वह किसी ना किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी, एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा ये बात है, ये मुर्गी तो बड़ी कमाल की है, खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी। उसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के फूल के कांटों से ढक कर रखा था, जिससे उसके अनाज को अगर कोई चुराए तो उसे कांटा चुभ जाए। और ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे, हे भगवान, कोई है, कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, नहीं चुराऊंगी, पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं, चलो इनका स्वागत करें। दोनों मिलकर नन्हे नन्हे अंडों से जो बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर स्वागत करती हैं।